लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव कोलकाता, मैं हूं आपके साथ सोनिया। ये सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। सांसद स्वागत राय नहीं पहुंचे सीबीआई कार्यालय, व्यस्तता का दिया हवाला। कोलकाता में कपड़ा व्यवसायियों का विरोध जारी, जीएसटी पर कर रहे हैं हंगामा। और मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, महानगर में भारी बारिश की संभावना। कोलकाता में जीएसटी के खिलाफ कपड़ा व्यवसायियों का आंदोलन जारी है। बुधवार को विशाल रैली में कपड़ा व्यवसायी शामिल होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जीएसटी के खिलाफ कोलकाता में कपड़ा व्यवसायियों का आंदोलन जारी है। बुधवार को सत्यनारायण पार्क के पास प्रदर्शन कर रहे कपड़ा व्यवसायी एक हो गए। कपड़ा व्यवसायियों ने एक विशाल रैली निकालकर जीएसटी के विरोध में नारे लगाए। ये रैली सत्यनारायण पार्क से शुरू होकर एमजी रोड, सेंट्रल एवेन्यू से होती हुई जब चितपुर पहुंची तो व्यापारियों ने चितपुर चौरस्ते को जाम कर दिया, जिसके चलते वहां वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस रैली में विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने हिस्सा लिया। इनका कहना है कि जब तक केंद्र सरकार जीएसटी में से कपड़े को टैक्स फ्री नहीं करेगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बुधवार सुबह सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। ये घटना तब घटी जब महिला अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर बाइक से घर जा रही थी और दो बसों की चपेट में आ गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। बुधवार सुबह सॉल्ट लेक के बीडी ब्लॉक के निकट दो बसों की रेसा रेसी की शिकार हुई बाइक सवार एक महिला तथा गंभीर रूप से बाइक चालक घायल हो गया। घटना सुबह 7:45 बजे की है। जानकारी के अनुसार सोनाली दे नामक महिला अपनी बच्ची को स्कूल छोड़कर अपने देवर के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौट रही थी। उसी वक्त उल्टाडांगा से 201 और 215 रूट की बस एक दूसरे से आगे जाने के क्रम में बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों बस के चालक फरार हैं। स्थानीय लोगों द्वारा घंटों सड़क अवरोध किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव कोलकाता। नारदा स्टिंग कांड में पूछताछ के बाद तृणमूल सांसद सुल्तान अहमद व नगर निगम के डिप्टी मेयर इकबाल अहमद ने सीबीआई के सामने अपनी आवाज का नमूना संग्रह कराने से इनकार कर दिया। नारद स्टिंग कांड में प्राथमिक पूछताछ करने के बाद तृणमूल सांसद सुल्तान अहमद व कोलकाता नगर निगम के डिप्टी मेयर इकबाल अहमद ने सीबीआई के सामने अपने आवाज का नमूना संग्रह करने से इनकार कर दिया है। सीबीआई सूत्र बताते हैं कि स्टिंग कांड को लेकर जो वीडियो सामने आया है, उसकी जांच के सिलसिले में दोनों से प्राथमिक पूछताछ हो गई है। अब दोनों के आवाज का नमूना उन्हें लेना है, इसके कारण दोनों से नमूना दर्ज कराने को कहा गया है, लेकिन दोनों ने ही इससे इनकार कर दिया है। अब सीबीआई की टीम अदालत में इसके लिए आवेदन की तैयारी कर रही है। सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि वे अदालत में आवेदन करेंगे कि जांच के लिए दोनों के आवाज का नमूना संग्रह करना काफी आवश्यक है, लेकिन दोनों जांच में मदद नहीं कर रहे हैं, इससे जांच में समय लग रहा है, लिहाजा अदालत उन्हें इसकी इजाजत दे और सांसद सुल्तान अहमद व डिप्टी मेयर इकबाल अहमद को निर्देश दे कि वे अपने आवाज का नमूना सीबीआई के पास संग्रह कराएं। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि अदालत का निर्देश मिलने पर ही अब वह अगली कार्रवाई करेंगे। दो पुलिस वालों के बीच उपजे विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि एक कांस्टेबल ने दूसरे कांस्टेबल पर गोली चला दी, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बुधवार को हुगली के डानकुनी थाने के एक हवलदार की गोली से एक एएसआई घायल हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एएसआई विधान चक्रवर्ती और हवलदार शत्रुघ्न सिंह दोनों अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों में आपसी संघर्ष हो गया। इसके बाद शत्रुघ्न ने एएसआई विधान चक्रवर्ती पर अपने राइफल से गोली चला दी, जो विधान चक्रवर्ती के कंधे में लगी। जख्मी एएसआई को डानकुनी के एक गैर सरकारी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया। डानकुनी थाने की पुलिस ने अभियुक्त हवलदार को गिरफ्तार कर लिया है। मौसम विभाग ने कोलकाता समेत पूरे दक्षिण बंगाल में भारी बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश ने कोलकाता का हाल बेहाल कर दिया है। जल जमाव के कारण ट्रैफिक पर भी इसका खासा असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने कोलकाता समेत पूरे दक्षिण बंगाल में भारी बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन बारिश मौसम विभाग की भविष्यवाणी से एक दिन पहले ही शुरू हो गई। रात भर हुई बारिश ने कोलकाता का हाल बेहार कर दिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक शहर जैसे जलमग्न हो गया है, जिसका खामियाजा एक बार फिर कोलकाता वासियों को भुगतना पड़ा। जल जमाव का सीधा असर ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ा और दिन भर शहर की विभिन्न सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। कोलकाता नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार महानगर व
आसपास के इलाकों में रिकॉर्ड 106 मिलीमीटर बारिश हुई। सबसे अधिक 60.96 मिलीमीटर बारिश उल्टारंगा में दर्ज की गई। बालीगंज में 20.57, पामेर बाजार में 23.62, धान खेती में 28.44, न्यू मार्केट में 48 मिलीमीटर, धापा में 46.22, अलीपुर में सबसे कम 14.47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के 30 से अधिक वार्ड इलाकों में जल जमाव हुआ है। जमे पानी को निकालने के लिए निगम ने अपने सभी पंपिंग स्टेशनों के पंप चला दिए थे। इसके अलावा अतिरिक्त पंपों को भी काम पर लगाया गया है। इस स्थिति में मौसम विभाग की भविष्यवाणी को देखते हुए मेयर शोभन चटर्जी ने कोलकाता नगर निगम स्थित कंट्रोल रूम का जायजा लिया। वहां मौजूद अधिकारियों से विचार विमर्श किया। इसके अलावा मेयर विभिन्न पंपिंग स्टेशनों का भी दौरा करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि निगम जल जमाव की समस्या का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आइए देख लेते हैं बंगाल की कुछ और बड़ी खबरें। अपने अवैध संबंध के कारण अपनी पत्नी की हत्या करने की कोशिश करने का आरोप लगा है एक व्यक्ति पर। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जहनारा बीवी नामक गृहवधू द्वारा लगाए गए आरोप पर पुलिस ने पति मनीर खान और प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। जहनारा जब बीरभूम के खैरा सोल थाने पहुंची तो बुरी तरह जख्मी थी। जहनारा का आरोप है कि उसके पति और एक गैर महिला के बीच अवैध संबंध के कारण ये झगड़ा हुआ और इसी झगड़े में पति ने पत्नी पर हमला कर उसे घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि वो अज्ञात महिला पांडवेश्वर की रहने वाली है, इसीलिए जहनारा ने पांडेश्वर थाने में भी मामला दर्ज करवाया है। सोशल मीडिया में गलत पोस्ट करने के जुर्म में आसनसोल जिले के बीजेपी के आईटी सेल के अधिकारी तरुण सेन गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। तरुण सेन गुप्ता आसनसोल के हीरापुर थाना के राधानगर रोड के रहने वाले हैं। तरुण सेन गुप्ता की दूसरी पहचान ये है कि वो एक ज्योतिषी भी हैं। तरुण पिछले 15 सालों से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। आसनसोल बीजेपी के जिला सभापति तापस रॉय ने बताया कि तरुण को फंसाने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा गया है। একদম সরাসরি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, বিজেপি কর্মীদেরকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর জ্বলন্ত উদাহরণ। যে এক পেশে যে সিদ্ধান্ত পুলিশ প্রশাসন এবং বাংলার প্রশাসন নিচ্ছে, এটা কিন্তু জনগণ ভালো চোখে নিচ্ছে না। এর জন্য যে রোষের বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় ঘটছে, এর জন্য কিন্তু প্রশাসনই দায়ী। मुर्शिदाबाद के फरक्का में एक युवक का छत विछत शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृत युवक का नाम नासिर शेख, उम्र 40 साल बताई जा रही है, जो पेशे से एक टोटो चालक था। बताया जा रहा है कि मंगलवार को दो युवकों ने नासिर के टोटो को भाड़े पर लिया था और इसी भाड़े पर जाने के बाद से नासिर घर वापस नहीं लौटा था। बुधवार सुबह फरक्का के अर्जुनपुर के पास स्थानीय लोगों ने उस युवक की लाश सड़क के करीब पड़ी हुई देखी। इस घटना की जानकारी फरक्का थाने की पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना में पुलिस ने शक के आधार पर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अच्छे पैसे और नौकरी का लालच देकर नाबालिग बच्चों को दूसरे राज्यों में मानव तस्करी के लिए भेजने से पहले ही रेलवे पुलिस और मालदह जिला चाइल्ड लाइन ने संयुक्त अभियान चलाकर मालदह टाउन के रेलवे स्टेशन से 8 नाबालिग बच्चों को बचाया। इस घटना में पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली जैसे बड़े राज्यों में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर मानव तस्करी की कोशिश कर रहे थे अब्दुल हकीम। इस घटना में बचाए गए नाबालिग बच्चों की उम्र 11 से 16 वर्ष के बीच है। ये सभी बच्चे हरिश्चंद्रपुर थाना के मोतीलाल गांव के रहने वाले हैं। वहीं अभियुक्त तस्कर 45 वर्षीय अब्दुल हकीम भी उसी गांव का रहने वाला है। हरिश्चंद्रपुर से एक लोकल ट्रेन से वो इन सभी बच्चों को लेकर मालदा पहुंचा था। दिल्ली जाने वाली फरक्का एक्सप्रेस से वो इन सभी बच्चों को दिल्ली भेज रहा था। स्टेशन पर बच्चों को इस तरह भटकता देखकर पुलिस को कुछ संदेह हुआ और जब पुलिस ने बच्चों से पूछताछ की तो सारा मामला सामने आ गया। वहीं खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर चाइल्डलाइन की टीम भी स्टेशन पहुंची। चाइल्डलाइन और रेल पुलिस की तरफ से बताया गया कि बुधवार को इन सभी बच्चों को जिला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया जाएगा। आज के मालदा स्टेशन খবর পেয়েছিলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে একটা ফোন এসেছিল, ফোন মারফত আমরা জানতে পেরেছিলাম যে 12 জন বাচ্চা এরকম কাজের নামে তাকে পাচার করা হচ্ছে। সেই জায়গা থেকে আমরা আরপিএফকে সঙ্গে নিয়ে মালদা আরপিএফ প্লাস আমাদের রেলওয়ে চাইল্ডলাইন টিম একসাথে মিলে বাচ্চাগুলোকে
টিকিট কাউন্টারের কাছ থেকে বাচ্চাগুলো উদ্ধার করল। এই বাচ্চাগুলোর কাছ থেকে যেটা জানা গেছে যে এই বাচ্চাগুলোকে কাজের নামে তাকে পয়সা প্রলোভন দিয়ে তাকে পাচার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দিল্লি গাজিয়াবাদে। বুধবার কোই পুলিশ নে অভিযুক্ত আব্দুল হকিম কো মালদা জেলা আদালত মে পেশ কিয়া, যাহা সে আদালত নে উসে পুলিশ রিমান্ড পর ভেজ দিয়া। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।